इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण सोलर पैनल की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है और हर कोई सोलर पैन से होने वाली कर रहा है सोलर पैनल की नई से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है अगर आप भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की बचत सोलर पैनल से करना चाहते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवाना चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करूंगा टाइप ऑफ सोलर पैनल की अलग अलग सोलर पैनल की cost, उनकी एफिशिएंसी, उनके लिए एरिया रिक्वायरमेंट और मार्केट में।, तो में बेसिकली चार तरह के सोलर पैनल यूज हो रहे हैं जिसमें से पहले नंबर पे है पोलिक्रिस्टलाइन उसके बाद है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं उसके बाद है हाफ कट सेल और लास्ट में है बायफेशल सोलर पैनल जो कि अभी मार्केट में नए हैं सोलर पैनल चुनते टाइम आप अपनी साइट के एरिया और बजट के अकॉर्डिंग पैनल को चुन सकते हैं अगर आपके पास एरिया कम है और बजट सही है तो आप हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल भी चुन सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बाईफेशल सोलर पैनल की है और अगर आपका बजट कम है और एरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पोली सोलर पैनल यूज कर सकते हैं जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं और बाकी सोलर पैनल से काफ़ी सस्ते हैं तो फ्रेंड्स अभी सभी तरह के सोलर पैनल की कॉस्ट और फीचर को देख लेते हैं इसमें सबसे पहले सोलर पैनल है पोली सोलर पैनल इसकी एफिशंसी बाकी सोलर पैनल के कम्पेरेटिव कम होती है बट इसका प्राइस भी बाकी सोलर पैनल के कम्पेरेटिव कम होता है मार्केट में पोली सोलर पैनल पंद्रह रुपये से पच्चीस रुपये तक के रेट पर आपको मिल जाते हैं इसके बाद है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल इसकी एफिशिएंसी पोली से ज़्यादा होती है और इन सोलर पैनल का रंग पोली के कंपेरेटिव डार्क होता है इन सोलर पैनल की कॉस्ट भी पोली से ज़्यादा होती है पर अगर आपको एक बड़ा पावर प्लांट लगाना हो मतलब पाँच किलो से दस किलो तक का या उससे भी ज़्यादा का

कम जगह में भी क्रिस्टलाइन से ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं इससे आगे नेक्स्ट टाइप है हाफ कट मोनो पैनल जनरली मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल में बहत्तर सेल होते हैं बट हाफ कट सोलर पैनल में एक सेल होते हैं और इसके अलावा हाफ कट सोलर पैनल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है इसलिए इसका टेम्परेचर भी कम रहता है अगर आप मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल खरीद रहे हैं तो आपको मोनो पर्क हाफ कट सोलर पैनल की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है नॉर्मल सोलर पैनल की बैक साइड पर आपको एक ही जंक्शन बॉक्स देखने को मिलता है क्योंकि नॉर्मल सोलर पैनल में पावर सभी सेल से गुजरकर जंक्शन बॉक्स में आती है लेकिन हाफ कट सोलर पैनल में दो पैनल आपस में पैरली कनेक्ट होते हैं जिससे शेडो आने पर जिससे शेडो आने पर या रेनी सीजन में नॉर्मल सोलर पैनल जैसे पोली और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के कम्पेटिव हाफ कट सोलर पैनल में कम पावर लॉस होता है इस तरह हाफ कट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और इसीलिए ये मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इससे आगे है सोलर पैनल जिसकी एफिशिएंसी पिछले तीनों तरह के सोलर पैनल से सबसे ज्यादा होती है इसकी कॉस्ट भी सभी से ज्यादा है अगर अभी के मार्केट प्राइस की बात करें तो आपको चालीस रूपए से पैंतालीस रूपए तक पर वाट के हिसाब से ये सोलर पैनल आपको मिलते हैं बाइफेसल में दोनों साइड बैक साइड और फ्रंट साइड सोलर पैनल एक ग्लास की तरह लगे होते हैं तो ये पैनल दोनों तरफ से जनरेशन करते हैं इन सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन जनरली वहां लगाते हैं जहां जगह की कमी होती है दूसरे सोलर पैनल के कंपैरेटिव 30 परसेंट ज्यादा होती है मतलब अगर नॉर्मल सोलर पैनल मतलब अगर नॉर्मल सोलर पैनल 50 परसेंट की पावर जनरेशन कर रहे हैं तो बाईफल सोलर पैनल में पावर जनरेशन 80 परसेंट तक की होती है इसके साथ साथ बाईफेशियल सोलर पैनल के लिए आपको स्पेशल स्टैंड की जरूरत होती है जो कि दूसरे सोलर पैनल जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और हाफ कट से अलग होते हैं तो फ्रेंड्स ये थी बेसिक डिटेल सोलर पैनल के बारे में इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे इस चैनल की राय को सब्सक्राइब कर लें